व्यास जी ने कहा अब आ जाऊं। सुखदेव जी बोले हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बोले ये माया हमको पकड़ लेगी, जैसे ही आएंगे माया हमको पकड़ लेगी। बाबा कबीरदास कितना सुंदर भाव लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जीव दो पल याद रखे ना तो कभी पाप ना करे। एक वो पल याद रखना कि गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ था तो कितनी तकलीफ हमें और हमारी मां को हुई थी, और एक वो पल याद रखना जिस वक्त हम मरते हैं उस वक्त हमें कितनी तकलीफ होती है। ये दो पल अगर जीव याद रख ले तो कभी पाप ना करे, पर इन्हीं को भूलता है सबसे पहले। कबीर बाबा ने कहा कि जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, दुनिया हंस रही थी, अरे साहब फलाने के घर में बेटा हुआ है बेटी हुई, वो कहती मैं माँ बन गई, कोई कहता मैं बाप बन गया, कोई कहता मैं दादी बन गई दादा बन गया, अनेक रिश्ते जिनसे कभी मिले नहीं उनसे रिश्ते बन गए, जिनकी शकल कभी देखी नहीं, जिनके साथ सेल्फी नहीं ली कभी, उनसे रिश्ता बन गया, रो रहे। लेकिन हम रोए, हम इसलिए रोए कि संसार में तो सब मेरा ही मेरा करते हैं, आपका तो कोई कुछ करता ही नहीं, आपको तो सब भूले बैठे महाराज कहां जाएं। लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, ऐसा कुछ करके जाओ कि मेरे मरने के बाद लोग रोए कि अभी इसकी बहुत जरूरत थी हमें जल्दी छोड़ गए। ऐसी जिंदगी मत जीना कि लोग तुम्हारे मरने की दुआ करें। आजकल लोग अधिकांश ऐसी जिंदगी जीते हैं जिनकी मरने की दुआ पड़ोसी नहीं घर वाले ही करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा, कभी अपने घर वालों के साथ में बैठना इकट्ठे होके और सबसे पूछना भाई हमको एक कृपा करके बता दो हमने तुम्हारा भला किया है कि बुरा किया है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बाबा आपने भला किया है, सब कहेंगे जितनी जल्दी हो सके पधारो, या मुंह पे ना कहें पर कोशिश तो करके देख लो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी और मैं इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मेरे को तो बस माधव ही चाहिए। कृपा करके बताइए जो यहां श्रोता नहीं आए हैं, जो पुणे में ही हैं, जो कोई ना कोई भ्रांति पाल कर या भाव बनाकर या व्यस्तता का बहाना बनाकर जो नहीं आए हैं वो किसके चक्कर में नहीं आए, जोर से बोलिए। तो क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी जो यहां बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप पे काम नहीं है क्या? आप पे जॉब नहीं है? आप पे बिजनेस नहीं है क्या? नहीं है आप पे? आप कैसे आके बैठ गए? ये माया और माधव दोनों की कृपा अलग अलग दिख रही है आपको। आप पे माधव की कृपा है तो छोड़ जगत के झंझट, आप कथा में आकर बैठ गए। अरे शहर तो वही पुणे ही है, शहर में थोड़ी बदलाव आया है, जीने का तरीका अलग अलग है, जिंदगी तो वही है, खाना उनको भी है खाना तुमको भी है। जो माताएं टीवी सीरियल देख रही होंगी इस टाइम पढ़ी हैं, रामू को कह रही हो चाय बना ला आज मंडे है, रामू भी कहता तेरे मंडे में आग लगे हमें छुट्टी मिले या तेरी चाय थे, रामू भी परेशान है। अरे रामू पे एक बात याद आ गई, बोलू क्या याद आ गई, बोलना पड़ेगी अभी तो, बहुत गजब की बात है। एक दिन रामू ऋषि आ गया समझ गए, हम ब्रजवासी हैं, मुंह से निकल गया ऋषि आ गया, गुस्सा हो गया क्रोधित हो गया, और रामू ने सेठ जी से कह दिया सेठ जी राम राम ये रही तुम्हारी धर्मशाला और हम चले अपने गांव, हमारी ले लो आखिरी राम राम ये रही तुम्हारी धर्मशाला हम चले अपने गाम राम राम। सेठ जी बोले व्हाट हैपन, बोले हैपन कुछ नहीं है बस यूं समझो कि जा ही रहे हैं, बता तो दे। अरे सेठ जी आप बड़े आदमी हो, देखो जी हम तो छोटे आदमी हम नहीं रह सकते आपके यहां। अरे भाई चला जाइयो बात बता के जा, हो सका तो समाधान कर देंगे और नहीं हुआ तो चले जाना तुम्हारी मर्जी है, तुमको जबरदस्ती थोड़ी रखी है। सेठ जी ने कहा, बोले सेठ जी आज वो हो गया जो 15 साल में नहीं हुआ, मैं आपके यहां 15 साल से हूं पर आज सेठानी जी ने वो कर दिया जो 15 साल से कभी नहीं किया। अरे बोले हुआ क्या बात तो बता, बोले कल की रखी हुई रोटी आज मुझे खाने को दे दी, बोले खा ले आज।
तो कि हम आपके नौकरी करते तो कल की रोटी खाएंगे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, रखो अपनी धर्मशाला। सेठ जी बोले, बेटा रामू जा, भगवान तेरो भलो करे। क्यों, क्या हुआ? बोले बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है, तू जा। अरे सब समझ रहे हैं, रामू तू इतना भाग्यशाली है कि 15 साल में सिर्फ आज तुझे कल की रोटी मिली है। मैं तो 20 साल से प्रसाद ही पा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। आप एक्स्ट्रा समझ रहे हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।